Hello. Good morning, everyone. कौन-कौन आ गया है? पूनम, युविका, शशि एंड निभा, सुविधा और विवेक. गुड मॉर्निंग उजाला. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग निशांत. चलो भाई, ठीक है. आज केमिस्ट्री अपनी खत्म हो जाएगी, तो आज केमिस्ट्री का अपना लास्ट है. कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही हो गई है. तो लेट अस स्टार्ट. साथ साथ रिवीजन करते रहना, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और आज रात को 8:30 बजे, जैसे कल मैंने पोस्ट डाला था, मैक्सिमम लोगों ने 8:30 का टाइम ही बोला है. तो 8:30 बजे अपन एक 1 मंथ स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, और आप लोग भी उसके हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं. तो वो अपन देखेंगे, और कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का रिलेटेड प्रिपरेशन मोस्टली, और वो अपन आज डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है? ठीक है. किट्टू, सचिन एंड करमवीर, गुड मॉर्निंग. युविका, थैंक यू. चलो ठीक है. कॉमन फैक्ट्स अभी अपन शुरू करते हैं. कॉमन फैक्ट्स है. अब यहाँ पे अपन ने यहाँ तक तो कर ही लिया था. हितेश, गुड मॉर्निंग. तो देखो, ये कैटलिस्ट, पहले बस इतना पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या करता है. एक रिएक्शन जो आपकी चल रही है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, फर्स्ट थिंग. ठीक है, ये अपना हो गया. बस उसमें ये नहीं है. लेक्चर लिंक ओपन नहीं हो रहा, अपडेट कर देना. जो मैंने अभी डाले थे, बैच में डाले थे, उनकी बात कर रहे हो क्या युविका? जो बैच में लेक्चर लिंक डाले हैं वो. चलो, अब इसमें ये बस इतना फास्ट करता है. अब जैसे आयरन, निकल, प्लेटिनियम जो भी है, NO, ठीक है, CuCl2, ये सब इसको फास्ट कर देता है. बट किस रिएक्शन को फास्ट करते हैं वो अपने काम के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. जैसे इसमें इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव्स बता रखे हैं. डायनामाइट आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवर किया था. ये बना था एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ डस्ट एंड विद नाइट्रोग्लिसरीन. सवाल ये भी आ सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो यूज किया जाता है, वो इसमें क्या है? ठीक है, चलो ठीक है युविका, आई विल चेक दैट. एक बार मेरे को क्लास के बाद मैसेज कर देना जो भी इससे रिलेटेड है ना, वी विल डिस्कस. क्योंकि दो तीन जगह अपन ने लिंक डाल रखा है, तो उसको अपन पर्सनल बात कर लेंगे. ठीक है, जो भी है, ये किसी और को कोई समस्या है तो. फिर इसमें अपना नेक्स्ट क्या आ रहा है? नाइट्रोग्लिसरीन तो हो ही गया. अब ये भी ध्यान रखना है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोफिनोल. तो इस टाइप से सवाल आ सकता है कि व्हाट आर दीज. तो ये एक्सप्लोजिव है. ऐसे ही RDX, ठीक है. तो RDX इज हाईली एक्सप्लोजिव एंड प्लास्टिसाइजर जो भी है. ठीक है, तो एक्सप्लोजिव के नाम थोड़े से याद रखते हैं. देन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके दे रखे हैं यहाँ पे, जहां जहां क्यू मार्क कर दूंगा वो आपको पता होना चाहिए, उनको देख लेना. ठीक है, फॉसिल्स अपन डेटिंग करते हैं कार्बन 14 से. ठीक है, कार्बन 14 डिके होकर कार्बन 12 में बनता है. टी हाफ लाइफ के हिसाब से, जैसे यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि आफ्टर सम मिलियंस ऑफ ईयर आपकी कार्बन डेटिंग क्यों नहीं काम करती, तो इसका आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में. देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स, बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स. देन डायमंड, डायमंड हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस, डन. ठीक है, ये अपने को पता ही है, TIR, ये अपन ने देखा ही था. काफी कुछ ये इधर उधर फेंक ही देता है. एंड क्लोरोफॉर्म जो है वो सनलाइट में आपकी फोस्जीन बन जाती है, जो अपनी एक पॉइजनस गैस होती है. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म ऐसा नहीं है कि यूज करिए और हो गया. ठीक है, बेसिसिटी जो है सोयल की, सोयल आपका एसिडिक डिग्रेडेशन बोल लो या फिर चेंजेस बोल लो या फिर बेसिक बोल लो, उन दोनों की वजह से गड़बड़ हो जाती है. अब जो बेसिक सॉयल है उसको ट्रीट करते हैं जिप्सम से. जिप्सम ऐड करेंगे वो एसिडिक हो जाता है, और ये दोनों मिलकर न्यूट्रल करके ठीक हो जाती है. ठीक है, नमस्कार जेम्स. यस, कार्बन लेवल्स आर एक्सट्रीमली लो, वो डिके होते जाते हैं एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. बिल्कुल सही विकास. नहीं भाई, इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है आपके आंसर को ना. ये हो गया. अब जैसे बेसिक के लिए आप जिप्सम यूज कर रहे हो, एसिड के लिए क्या यूज करोगे?
क्या यूज करते हैं हम एसिड को ट्रीट करने के लिए, ये नेक्स्ट सवाल है। देखो फिर अपना क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस अपन ने देखी थी, उनको अपन कैसे देख सकते हैं वो, ठीक है, ठीक करना है तो पोटेशियम क्लोराइड KCl। सैकरीन जो आपकी आर्टिफिशियल शुगर है वो बनती है टोलीन से। सर अगर सेकेंड टाइम कोविड हो जाए तो कितना इफेक्ट आता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट प्रियंका, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रहते हैं। इम्यूनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज इम्यूनिटी, ईट वेल, हाइड्रेट वेल, और सम ड्रग्स आर देयर। यस्टरडे आई वॉज गोइंग थ्रू वन वीडियो और उसमें काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिली हैं, सो आई एम थिंकिंग ये एक कोरोना पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं आज, ताकि जो काफी लोगों को उससे पता चले कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। N2O अपनी जो लाफिंग गैस है वो क्या है, N2O। नीला सेकेंड वाला आंसर किसी ने नहीं किया। एसिड को ट्रीट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, अब जैसे जो अपने पास क्लोरीन गैस होती है ब्लीच करती है, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह है उसको भी ब्लीच कर देगी ऑक्सीडेशन से। रेड फॉस्फोरस अपन कहाँ यूज करते हैं, मैच इंडस्ट्री में जो अपन ने देखा था तिल्ली के आगे होते हैं, एंट एसिड, चूना, चूना यूज कर लो। मैं एक पर्टिकुलर जिंक एक बार कंफर्म करो, क्योंकि जिंक जो है वो मेरे ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है जिप्सम, क्या जिंक को अपन यूज करते हैं, मुझे याद आ रहा है कॉमन सा जो अपन चीज यूज करते हैं ना, प्लीज जस्ट कंफर्म इट। लाइम और ये सब तो ठीक है, KOH और सब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पूजा। अब अपन देखते हैं ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसिस किया गया था, यूरिया, ये याद रखेंगे। फेरिक क्लोराइड आपके यूज किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सोलर सेल्स जो होती हैं उसमें यूज करते हैं सीसीएम, ठीक है। एक सेलेनियम होता है जो आपके शैम्पू जो होते हैं अपने शैम्पू में यूज किया जाता है सेलेनियम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मैं पूछ रहा था कि एसिडिक सोयल है, एसिडिक सोयल के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं। एसिडिक सोयल ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्या नहीं समझ में आया था इसमें। चलो सीवीड्स जो होती हैं वो आयोडीन कंटेन करती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज फॉर ऑयल पेंटिंग्स, ठीक है, ये यूज्ड फॉर ऑयल पेंटिंग, इनको क्लियर करने के लिए यूज होता होगा शायद, क्योंकि इस हिसाब से ही समझ में आता है मेरे को तो, बाकी इसको थोड़ा सा फिर से आप देख लेना। सोडियम कैरोसिन में रखा जाता है, ये मैंने बताया था, ये इस टाइप के फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कैप्ड इन सोडियम, हाइएस्ट द लाइटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट डेंस, मोस्ट रिडक्टेंट इज लिथियम, लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग रहता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ऑयल ऑफ पेट्रोल, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन तो है, लाइमस्टोन ठीक है। विवेक गुड मॉर्निंग, जस्ट एक बार, चलो ठीक है, इसको बाद में ही देखेंगे, छोड़ो। वैन मिथाइल अल्कोहल, ये अपन ने देख लिया है, इसके बारे में तो मैं आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो इसमें मिथाइल अल्कोहल का क्या ट्रीटमेंट है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH रियल दारू, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज हायर देन मर्करी, तो अगर मर्करी में डालोगे तो इट ड्रॉन्स, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस ज़ीनॉन, ये याद रखना है, ठीक है, ये सारे के सारे इस टाइप से सवाल डायरेक्टली बनेंगे। लाफिंग गैस इज N2O, ठीक है, N2O, और स्ट्रेंजर गैस इज ज़ीनॉन, ठीक है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन किसको बोलते हैं, कन्वर्जन, जो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में है उसको आप किस में लेके आ रहे हो, सोयल में। सेफ्टी मैच में अगेन रेड फॉस्फोरस फिर से आ गया। मिल्क इज एन इमल्शन, ये चीज भी पूछी जा सकती है, मिल्क सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्शन सॉल्यूशन, हेटरोजेनियस होमोजेनियस, सिंपल से ऐसे आएंगे, इमल्शन ये याद रखना।
प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, हाईली वैल्यूड प्रोडक्ट है। हैवीएस्ट एलिमेंट आपका अननॉक्टियम, जो लास्ट में डिस्कवर किया गया है, अननॉक्टियम ही है। पैन पर एसिटाइल नाइट्रेट, ये आपको पता होना चाहिए, ये सेकेंडरी पोलिटेंट है। सेकेंडरी पोलिटेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी पोलिटेंट में क्या अंतर होता है? प्राइमरी जो है वो एज इट इज पोल्यूट करेगा, जैसे CO2, SO2, NO2, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो दो चारों को मिलके फिर आपका काम करता है, ठीक है। ये होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, थर्मली अनस्टेबल। सॉरी, मैं चाय की एक बार बोल के आता हूँ यार, मेरी अभी तक बैठा हुआ था तो नींद नहीं आ रही थी, अभी फिर आवाज नहीं आ रही। चलो देन, ये हो गया। ओके सभी, थैंक यू। अब अपना इसमें क्या आ रहा है, थर्मली अनस्टेबल डिकम्पोजिस, ये सब हो जाता है, रेडिकल्स बनाता है, और ये ठीक है ध्यान रखना है। सीधा सीधा पूछा जाएगा, फोटोकेमिकल स्मोक पैन, ठीक है, पैन प्लस ओजोन, इसमें होता है प्लस सनलाइट, ये तीनों मिलके आपका गड़बड़ कर देते हैं और आपकी स्मोक बनती है। इंडस्ट्रीज जैसे आगरा वाला इसने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो क्या करते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, ठीक है, H2SO4, HNO3, ये सब। और यही एसिड रेन आपके जो व्हाइट मार्बल है उसको गड़बड़ कर रही है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर, ठीक है। ये टर्म याद रखेंगे, मार्बल कैंसर, ध्यान रखना है। फिर अपना आ रहा है कि मैन मेड सब्सटेंसेस, कुछ जो काम के हैं, फर्टिलाइजर्स, अपने को पता है कि जो आपकी सॉयल में डेफिशिएंसी है उसको ठीक कर रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, NPK 4:2:1, ये हो गया। गुड मॉर्निंग अखिलेंद्र। इसकी जो प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो आपका वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, यस, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक सस्टेन भी रहे, प्लांट जो हमने उगाए हैं प्लांट्स को इंजर ना करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के आने से पहले ताजमहल को वॉश किया गया था, वो एसिडिक है तो उन्होंने डेफिनेटली, मतलब एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन था वो तो नहीं पता, बाकी बेसिक सॉल्यूशन वगैरह ही कोई यूज किया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, फॉस्फेटिक स्लैग, ये है आपके फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। देन नाइट्रोजिनस है अपने पास, जैसे यूरिया होता है, अमोनियम, और ये कैल्शियम, ठीक है, ये भी हो गए, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, हल्का फुल्का याद रखना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में अपन नहीं कर सकते। पोटैश के भी फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके। अच्छा, NPK तीनों में से कौन सा ऐसा है जो 100% इंडिया इम्पोर्ट करता है, ठीक है, ये अपन ने देखा था। NPK अपन ने देख लिया, 4:2:1 हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो ये डाइज हैं अलग अलग, डाइट्रोडाइज, एजोडाइज, ये अपने काम की नहीं है, मॉडर्न डाइज, वेट डाइज, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है, सीमेंट, कोई नहीं, सीमेंट आपका सिलिकेट और कैल्शियम अमोनियम ये होते हैं, ठीक है। और सीमेंट बहुत ही हार्ड हो जाता है एकदम से, अपने को पता ही है, पानी में डालते हैं, पानी इसकी प्रॉपर्टी को बनाता है, इसको पानी, सीमेंट, वाटर एंड सैंड को अपन क्या बोलते हैं, मोर्टार, बस। यहाँ पे कोई और ज्यादा चीजें इतने काम की नहीं है, ये भी इतना नहीं है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिरप, सिरमार, सॉरी, ओके, पी टू, अच्छा PK, के, यस, पोटेशियम। अभी एक PK कमेंट करने लगे, मैं सोचू ये PK क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं भूल गया था इतने में। युजवेंद्र गुड मॉर्निंग, एंड रितु वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। पोटेशियम, अब इसमें अपन देखते हैं सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो ये अपने क्या रहेंगे, CaO,
लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनिया, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। जर्नल से याद रखते हैं, ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया, मैग्नीशिया। फिर आपको पता होना चाहिए गैस क्या है। गैस इज सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है वो, सॉरी ग्लास, ग्लास ठीक है। SiO2 इज इट्स कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट, सिलिका से ही आपका ये बनता है, सिलिका ऑक्साइड से ठीक है। फिर अपने पास दो तीन टाइप हैं, सोडा ग्लास, पोटेश ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास। सोडा में अपन सोडियम यूज करते हैं, पोटेश में पोटेशियम यूज करते हैं ठीक है, बस इतना ही। और ये आपका जैसे बीकर, फ्लास्क, फनल्स वगैरह के लिए यूज होता है। अब इतना डिटेल में नहीं आता है, क्राउन ग्लास क्या है, पोटेशियम BaO, फ्लिंट ग्लास, क्रुक ग्लास। क्रुक ग्लास जो अपना है स्पेक्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रख लेंगे ठीक है। ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है जो आपकी आईज के लिए हार्मफुल होती है। कलर्ड ग्लास में अलग अलग, जैसे अपन ने देखा थे जो आपके फायर क्रैकर्स हैं उनमें कलर निकल रहे थे, तो यहाँ पे भी रेड सेलेनियम, ग्रीन क्रोमियम, ग्रीन ही वहां पे ऐसा ही था, वायलेट मैग्नीशियम ये भी ऐसे ही था, ब्लू कॉपर यस, एंड ब्राउन आपका आयरन से। फिर आता है एक मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास कुछ नहीं है, उसमें आप जैसे SNO2 और कैल्शियम फॉस्फेट, क्रायोलाइट, इसका कलर मिल्की मिल्की सा कलर हो जाता है, धुंधला धुंधला ठीक है। स्पेक्स वाले अच्छे कुक होते हैं, राउंड ऑफ अप्लॉज विकास ठीक है। अब रियल स्टूडेंट बन रहे हो तुम लोग ठीक है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन अपना क्या होता है, ये सवाल पूछा गया था HCS में कि भाई पॉलीमर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलके उसकी मल्टीपल वो बन जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन करके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाना है। अब जैसे CH2, ये आपको दिख रहा है इथीन। अब इथीन के ही आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ और ऐड करोगे आपस में ठीक है। यही लोग आपस में मिल जला के पॉलीमराइज हो जाएंगे ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज और ये सब रहते हैं, ये नेचुरल। और फिर अपने आर्टिफिशियल तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ठीक है, प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, रबर, सॉरी। अब देखो प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जो आपने गर्म किया और पिघल सा जाता है, वो इजीली सॉफ्ट किया जा सकता है, रिपीटेड व्हेन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल्ड, और लिटिल चेंज इन द प्रॉपर्टी, जैसे पॉलिथीन, पॉलिस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर टेफ्लॉन ठीक है। ये थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होते हैं, सेट है वो, अगर उनको कुछ भी गड़बड़ किया तो वो टूट जाएंगे ठीक है। तो दीज आर देखो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, तो अब अगर दोबारा से इनके साथ कुछ भी करोगे ठीक है, तो हार्ड होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, टूट जाएंगे ठीक है। तो ये फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें एग्जांपल है बेकेलाइट ठीक है, ग्लिप्टल, बेकेलाइट ध्यान रखेंगे। तो बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट से आप क्या करोगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्ब्स। बेकेलाइट का यूजेस पूछे जा सकते हैं, कॉम, फाउंटेन पेन, फोटोग्राफ रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स। ऐसे अपना रबड़ होता है, नेचुरल जो रबड़ है, ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल प्रोसेस से आता है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होता है। तो इसमें अपन सल्फर ऐड करके इसकी चेन्स बना देते हैं, और ये जो ऐड किया जाता है इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन। कोमल, गुड मॉर्निंग, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। अब रबड़ क्या हो जाएगा, वो यूजेबल हो जाएगा ठीक है। तो ये अपना है SF6 ऐड किया जाता है, फाइबर्स, नायलॉन, डेक्रॉन, ओरलॉन, रेयॉन, टेफ्लॉन, ये एग्जांपल। रेयॉन आपका किससे मिलता है, सेलुलोज से, टेफ्लॉन पॉलीटेफ्लोरोइथाइलीन ठीक है। चलो नेचुरल रबड़ अपना मेनली कहाँ पाया जाता है, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका। अब अपना नेक्स्ट क्या आता है, सिंथेटिक रबड़ ठीक है। नेचुरल रबड़ हो गया, सिंथेटिक रबड़ में आपके आएंगे निरुपीन, बुनायस, बुनायन, व्हाटएवर, ये काम के नहीं है। देखो सम कॉमन मैनमेड पॉलीमर्स ये याद रखने, पीवीसी, टीपीई,
पॉलिथीन तो अपने को पता है कैरी बैग के लिए, ठीक है, पॉलीप्रोपीन बॉटल्स वगैरह जो होती हैं, बॉटल्स या फिर क्रेट्स, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ये है आपका पाइप के इंसुलेशन, मतलब जो पाइप्स वगैरह होते हैं अपने पीवीसी के पाइप होते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर अपना जैसे नायलॉन है, ये फाइबर और रॉप्स, नायलॉन टेरिकोटा ये सब होते हैं, ठीक है। टेफलॉन, टेफलॉन आपको पता ही है, किचन में जो अपन यूटेंसिल्स यूज करते हैं उसके अंदर होता है, ये सवाल पूछा जाएगा, नायलॉन पूछा जाएगा, पीवीसी पूछा जाएगा, विनाइल रबर, ये रबर इरेजर में यूज करते हैं, बेकलाइट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बटन्स जो होते हैं वो बेकलाइट के बने होते हैं, मेलामाइन पूछा जाएगा, क्रॉकरी, बेकलाइट, मेलामाइन ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर लेक्सन, लेक्सन आपका क्या है, बुलेट प्रूफ ग्लास, तो लेक्सन भी याद रखें, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार मार्क कर लो, सब याद होना चाहिए। फिर अपना पेंट, पेंट में अपन जिंक ऑक्साइड, व्हाइट लेड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये सब यूज करते हैं, इसको थिनर इसमें डाला जाता है, टर्पेंटाइल ऑयल और या फिर कैरोसिन। एक ये सवाल बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थिनर, या फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो टर्पेंटाइल ऑयल और कैरोसिन यूज करते हैं, ये बन सकते हैं। ल्यूमिनियस पेंट अट्रैक्टिव ग्लो वगैरह होता है, इसमें लाइट में एक्सपोज होता है तो ग्लो हो जाता है। फिर अपने पास आता है सोप एंड डिटर्जेंट्स, देखो अपन यूज करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट क्लीनिंग के लिए, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना क्या रहता है, ये होते क्या है बेसिकली, जैसे आपका ऑयल और फैट है उसको NaOH, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल बनता है प्लस सोप बनता है, सोडियम अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे सोडियम एंड द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड या फिर पामेटिक एसिड, जिसमें अपना C15H31 COOH, एच की जगह Na आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। इतनी ही डेफिनेशन याद रखनी है स्टॉप की जो पहली 2-3 लाइनों में दी हुई है। अब ये याद रखना कि कुछ जो शॉप्स आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं उसमें अपन क्या डालते हैं, एथेनॉल, ठीक है। जैसे अपना वो आता है पियर्स, पियर्स को ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसमें एथेनॉल डालते हैं, ग्लिसरीन भी डालते हैं। इन शेविंग, शेविंग में जो शॉप्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल डालते हैं ताकि लेदर अच्छा बने, तो शेव करते हैं तो वो उसमें ऐसा होता है, ठीक है, गुड लेदर फॉर्मेशन के लिए ग्लिसरॉल के। फिर आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर में शॉप्स आपके अच्छे से काम करते हैं, हार्ड वाटर में उतने अच्छे से काम नहीं करते, तो हार्ड वाटर में अपने को उनको कराने के लिए क्या होता है अपने पास, डिटर्जेंट्स। तो जैसे शॉप मिसल्स होती हैं लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, हेंस एक शॉपी जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी रहेगा, ठीक है, या फिर कोलोइडल। और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस शॉप्स, बेटर क्लीनिंग हार्ड वाटर में भी, क्योंकि इनकी जो मिसल्स बनती है ऐसी बनती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाती हैं और फिर उसको बाहर ले जाती है पानी के साथ, एक साइड इनके पानी ही रहता है और एक साइड डस्ट पार्टिकल, तो जैसे ही पानी करोगे तो वो बाहर निकल जाता है। सिंथेटिक को आप यूज कर सकते हो एस्थेटिक मीडियम में भी, यस, व्हाइल शॉप फेल्स टू डू सो बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, शॉप को नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, ज्यादा सोल्युबल होते हैं, इसको आप इजीली मिला सकते हो ना डिटर्जेंट को, यस। फिर अपने पास कुछ ड्रग्स आ रही है, देखो सिंपल नाम और उनके काम, ड्रग क्या है वो अपने काम की नहीं है, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को रिलीव करने के लिए मेंटल डिजीजेस में अपने को दिए जाते हैं, सुला देते हैं बेसिकली, ट्रैंकुलाइजर्स आप उसमें भी यूज करते हैं। जो हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो उसमें मान लो कुछ होया तो वो आपका पकड़ने गए तो वो उसके इंजेक्शन जो डालते हैं ना वो आपके ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ठीक है। उषा गुड मॉर्निंग। फिर अपने आते हैं एनाल्जेसिक्स, ये एक कॉमन टर्म है, एनाल्जेसिक्स जो पेन आपका होता है बॉडी पेन बेसिकली उसको रिड्यूस करने के लिए, इसके एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासिटामोल, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ठीक है। अब ये जो मॉर्फिन और हीरोइन्स हैं इनका एडिक्शन हो जाता है लोगों को, क्यों, क्योंकि वो इसके साथ साथ जो आपके दूसरे रिसेप्टर्स हैं उन पे एक्ट करके एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट करती हैं, ठीक है, अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। कोडीन, कोडीन का भी नशा करते हैं काफी लोग, जो अपना
ड्रग आती है, कफ ड्रग, कोडीन होता है उसमें, तो उससे भी नींद आती है, तो वो भी नशे के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, पंजाब में बहुत ज्यादा है, हरियाणा में भी अब बढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग नीलम। एंटी पायरेटिक्स, पायरेक्सिया क्या होता है? हीट। तो एंटी पायरेटिक्स क्या होती हैं? जो आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं। तो इसमें अपना एनाल्जिन, फेनाइल या पैरासिटामोल सबसे बेस्ट ड्रग है। देखो, कभी भी सरदर्द हो या फिर बदन दर्द हो, तो फिर अपन क्या ले सकते हैं? पैरासिटामोल, वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग। एक गोली ले लो 500 mg और समथिंग, ठीक है, काम चल जाता है। ठीक है, कभी काम नहीं चल रहा तो। यस, एंटीबायोटिक्स अपनी क्या होती हैं? बायोटिक्स, जो आपके ऑर्गेनिज्म्स हैं, एंटीबायोटिक्स उनको किल करने के लिए, तो ये प्रिवेंट करती है ग्रोथ को। यहाँ पे अपने पास सवाल ये बनेगा, फर्स्ट कौन सी थी? पेनिसिलिन किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब करी? 1929। ये ध्यान रखेंगे। और अलग अलग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफैम्पिसिन, ये आपकी अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीसेप्टिक्स, ये एंटीमाइक्रोबियल होती हैं, जो सरफेस पे किल करती है ना उनको, तो ये भी आपके ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेंगे। जैसे आजकल अपन यूज करें एंटीसेप्टिक सोप्स, डिटोल, ठीक है, सेवलॉन, ये अपने होते हैं। राम गोपाल, राम राम। एंड सुमन, गुड मॉर्निंग। सुमन बहुत लेट हो गई आज तो। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिटोल, बिथियोनॉल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये याद रखना, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बच्चों में क्या होता है कि कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपन नीला नीला उस पर वो लगा देते हैं, ठीक है, नीला नीला सा, वो यही होता है। ठीक है, बोरिक एसिड, डिटोल, हाइड्रोफॉर्म, बोरिक एसिड छोड़ो। डिसइन्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? देखो, एंटीसेप्टिक्स, और ये तो आप लिविंग पे यूज करते हो, डिसइन्फेक्टेंट्स नॉन लिविंग पे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर क्लीन करना है तो अपन यूज करते हैं डिसइन्फेक्टेंट। एग्जाम्पल फिनोल, एग्जाम्पल क्लोरीन, एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, ये हम हॉस्पिटल में यूज करते थे, फॉर्मल्डिहाइड। ऑपरेशन थिएटर्स में जो जैसे ऑर्गन्स वगैरह हैं उनको रखने के भी काम आता है, और उसको डिसइन्फेक्ट करने के भी। दीपिका, गुड मॉर्निंग। फिर अपने पास जैसे आ रहा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जैसे हाँ बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करी जाती हैं, तो इनमें आपके प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव ये अपने काम करी हैं। एंट एसिड, ठीक है, एसिड बनता है अपने स्टमक में बहुत ज्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन यूज करते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये सब अपने ज्यादा रहे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एक दवाई आती है रेंटेक, ठीक है, रेनिटिडीन, वो भी एंटेसिड होती है। मम्मी ने जगाया नहीं, घर पे पहुंच के ना सब रिलैक्स हो जाते हैं, मम्मी थोड़े जगाएगी, पढ़ाई तो अपने को करनी है ना, खुद ही जगना पड़ेगा। नेवर एवर एवर डिपेंड ऑन एनीवन। ठीक है, द ओनली थिंग, जैसे मैं घर पे रहता हूं तो मैं घर वालों को हमेशा यही कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जगाओगे नहीं, ठीक है, मुझे उठना है, खुद उठना है। कभी कभी आपको कुछ मतलब ये होना चाहिए लाइफ में ना, घर वालों को रहते ही है सुबह उठाने का, बट मैं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर सोना है तो मुझे सोना है, जगना है तो मुझे जगना है, इट्स माई लाइफ माई रूल्स, तो ऐसा चलेगा। रोडेंट्स, देखो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो पेस्ट अपने होते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े ये सब है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यस बिल्कुल सही युविका। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो अपना होता है वो अपन यूज करते हैं एंट एसिड को भी करने, ये यहाँ पे ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो रहा, सही। ठीक है, पेस्टिसाइड्स अपन यूज करते हैं क्रॉप्स वगैरह के लिए, यस। रोडेंट्स जो आपके होते हैं जैसे चूहे, तो रोडेंट्स के लिए रोडेंटिसाइड, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के लिए, एग्जाम्पल DDT, एल्ड्रीन, डायल्ड्रीन, ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर अपने पास आ रहा है इसमें फंगिसाइड, यानी फंगस के लिए, हर्बिसाइड हर्ब के लिए, एग्जाम्पल नहीं इतना नहीं होगा, ठीक है, कि भाई क्या है क्या है। रोडेंटिसाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ये याद रख लिया। क्यों? क्योंकि रोडेंटिसाइड काफी कॉमनली यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। कई लोग खा लेते हैं इसको जीवन को खत्म करने के लिए, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको याद रखने हैं, इसमें अपने क्या होते हैं एग्जाम्पल सैकरीन, एस्पर्टीम, एल्टेमीन, सुक्रोलोज।
सैक्रीन 550 गुना ज्यादा होता है स्वीट, डायबिटिक पेशेंट्स में यूज किया जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर लेते हो। एस्पर्टीम भी आपका ऐसे ही कोल्ड फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। सुक्रलोज ये हॉट फूड में यूज किया जाता है कुकिंग पे। तो ये बस नाम नाम याद रखना, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कोल्ड फूड में कौन सा, हॉट फूड में कौन सा। आपसे सिर्फ नाम दे के पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा इनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो खाने को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। दे प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड, ठीक है। और स्पॉयलेज किसकी वजह से होएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से, मतलब और इसको ये खत्म कर देता है। तो ये आपका हो गया ये। इट इंक्लूड्स टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल्स, ये सब, सोडियम बेजोनेट, सोडियम, ये सब, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रख लेंगे। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किए जाते हैं। फिर अपन ने देखा रीजन क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। जेम्स, अच्छा जेम्स कह रहा है टाइम से उठा करो शशि अगले घर है। ओके चलो ठीक है। माय इंस्टीट्यूट ऐप इज नॉट वर्किंग विवेक, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यार। उसमें क्या हुआ है कि जो एप्पल है वो मंथ के, मतलब वहां पे बात हुई, उन बग्स वगैरह कुछ होती है इनकी, तो वो फिक्स नहीं हो पा रही है अभी। तो उन्होंने कहा है कि जैसे फर्स्ट वीक तक काम हो पाएगा, बट डोंट वरी, जो लोग इनमें, मतलब मान लेते हैं कि भाई जिनके पास एप्पल है या वो है, उसका सोल्यूशन आज कुछ ना कुछ करके, जैसे गूगल ड्राइव का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, गूगल फॉर्म्स, गूगल पे भी अपना टेस्ट बनता है। एक तो एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट रहेगा या फिर गूगल के थ्रू टेस्ट रहेगा, दोनों में ही बना दिया जाएगा, ठीक है, ताकि बाकी सब लोगों को भी मिल जाए। लेक्चर और नोट्स लास्ट में अपडेट कर देना। हाँ ठीक है, वो कर देंगे, लगभग अपडेट हो ही गए हैं, बाकी साथ में चल ही रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। और अब अपनी देखो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, तो मॉर्निंग सेशन अपन इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। मॉर्निंग सेशन आज के बाद नहीं होगा लूसेंट का, इवनिंग सेशन कंटिन्यू रहेगा। इवनिंग सेशन में अपन पहले, अब ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इवनिंग सेशन में जैसे ही अपना बायोलॉजी चल ही रहा है, 4 दिन में बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमी अपन देख लेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे, या पॉलिटी और इकोनॉमी की इन बिटवीन कोई भी एक कुछ भी इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और जो चाय पे पर्चा अपना चल रहा था उसको भी इवनिंग में ही कंटिन्यू करेंगे। इवनिंग में थोड़ा टाइम अगर बढ़ाने का कहो तो इवनिंग में टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है, 8 से 9:15 तक भी खींच लेंगे इसको, 9:15 साढ़े 9, वो डिपेंड करेगा। 9:30 तक तो अपन चाय पे पर्चा तो खींच ही सकते हैं। फिर आप सुबह उठोगे नहीं सर? हितेश मैं तो उठूंगा। मैं आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, आप मतलब एक दूसरा इनिशिएटिव शुरू करने की सोच रहा हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पेशली करंट अफेयर की दो आइडिया है मेरे दिमाग में, तो उनमें, क्योंकि एक तो न्यूज़पेपर वाली चीज जो है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बेटर तरीके से, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के हिसाब से जो पहले से अपना चल रहा था उसको थोड़ा सा और बेटर बना के शुरू करेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। और एक और सीरीज है मेंस से रिलेटेड ही, वो अपन शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी ये अपना अभी इधर ही रहेगा। सर हाउ एंड व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज ऑफ इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री एंड दिस इज दिस। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी कर सकते हैं सौरभ, ठीक है, एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है अपनी, आर एच शर्मा और इन सब की, वो आप देख सकते हो। लूसेंट से हाँ उतने, मतलब उतने आंसर नहीं हो पाएंगे, बट इन दोनों को कंबाइन कर लो, लूसेंट में भी काफी है, मिडाइवल कम है, एंशियंट काफी है। प्लीज सारे एडजस्ट कर लो, 8:30, ठीक है युविका। आज का जो 8:30 वाला सेशन रहेगा उसके बाद अपन 8:30 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगर सब लोग बोलते हैं तो। आज अपन बात कर लेंगे,
रात वाले सेशन की इसका भी ओपिनियन एक शाम को रख लिया जाएगा, क्योंकि आज वाला सेशन 8:30 बजे है और मोस्टली जो जो है वो आएंगे ही उस सेशन में, तो अपन देख लेंगे, सब लोग अगर बोलेंगे तो कर लिए। तमिलनाडु की भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं सर। करंट अफेयर में जैसे कोई करंट अफेयर है उसके ऑल स्फीयर रिलेशन भी करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें मैं इसको किस तरीके से लेके चलना चाहता हूँ, प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वो दे दिए जाए, और मेंस के दो टॉपिक्स एटलीस्ट, बस टॉपिक वाइज इशू वाइज चलाएंगे उसको, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड रखेंगे ठीक है, उसके सारे स्पीयर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो न्यूज़पेपर में दिया गया है उससे रिलेटेड दो टॉपिक्स तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और बाकी जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेन्स की, ठीक है, ताकि उनकी PDF भी रेगुलरली बनती रहे और आप लोगों को मिलता भी रहे। ठीक है दीक्षा, गुड मॉर्निंग, अभी क्या हालत है? चलो ठीक है डन, मॉर्निंग क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आर अभी के लिए तो खत्म है, अब जो नेक्स्ट रहेगी किस टाइप की रहेगी 3-4 दिन में लेट मी प्लान, एंड उसके बाद अपन अपडेट करेंगे, जो सबसे बेस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रिपरेशन वो किया जाएगा, और इवनिंग क्लास का टाइमिंग्स भी जैसे सब लोग बोल रहे हैं तो वी विल टेक ए वॉट टूडे, जो लोग ज्वाइन रहेंगे इवनिंग क्लासेस। ठीक है युविका के साथ सर, हाँ काफी लोग, क्योंकि कल वाला जो मैंने डाला था 8:30 एक ऐसी टाइमिंग है जो सबको सूट कर रही है, 8 थोड़ा सा अर्ली हो जाता है, 8:30 क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तो 8:30 किया जा सकता है, नॉट ए बिग इशू, पहले भी अपन 8:30 ही लेते थे। ठीक है सो दिस इज इट, स्टडी हार्ड एंड धीरे 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 हो जाएगा, एंड टेस्ट कल टेस्ट है 6 o'clock, प्रिपेयर फॉर दैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली रजिस्टर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा अपनी प्रिपरेशन का, और ना ही इस चीज से एनकरेज होना है ना ही इस चीज से डिस्करेज होना है, और आज अपन डिस्कस करेंगे 1 month की जो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, किस चीज पे फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज भी एंड वैसे भी। ठीक है सर, वुड पूनम दलाल दहिया बी बेटर? सौरव, आई हैव नॉट सीन पूनम दलाल दहिया, उसमें आप जैसे मैंने वो देखी हुई है आपकी घटना चक्र, वो अच्छी है सर, बाकी ठीक है, एक हेल्प चाहिए आपको, जितना पढ़ाना है कैसे पढ़े प्लीज बताओ, आपके जितना पढ़ना है, मेरे जितना पढ़ना है, आज अपन सारे के सारे सवालों को लेंगे, प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद योर क्वेश्चन, ये सब शाम को दूर करेंगे। ठीक है आज मैं एक डालता हूं जिसको जो जो क्वेरीज हैं वो सारी की सारी क्वेरीज आप कर सकते हैं। चलो ठीक है युविका, लव यू ऑल, चलो देन ठीक है, चलो सी यू इन द इवनिंग, एंड टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।